जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर की खबर है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स को अलग कर दिया है। मिलिटेंट्स के पास से 3 AK-56 राइफल बरामद की गई हैं। IGP कश्मीर के हवाले से तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। मारे गए तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है। एक मिलिटेंट की पहचान श्रीनगर के शहरी वसीम के तौर पर हुई है, बाकी मिलिटेंट्स की शिनाख्त की जा रही है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे इस वक्त का जम्मू कश्मीर के बड़गाम से एनकाउंटर की खबर है। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे तीनों का ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है। इनमें एक मिलिटेंट की शिनाख्त श्रीनगर के शहरी वसीम के तौर पर हुई है, दीगर दो की शिनाख्त अभी की जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर दे दें आपको, मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब को लेकर अहम दिन है आज। 5 रियासतों में इंतखाब की तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थोड़ी देर में मीटिंग होगी। रियासतों में इंतखाब की तैयारियों से जुड़े सभी प्रोसेस पूरे हैं, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कमीशन इस बार कोरोना गाइडलाइंस को और सख्त कर सकता है। अब से थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग है और 5 रियासतों में होने वाले इंतखाब को लेकर आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बता दें आपको कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, बस तारीखों का ऐलान बाकी है। बहुत मुमकिन है कि कोरोना गाइडलाइंस को इस दफा और सख्त कर दिया जाए। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग है अब से थोड़ी देर बाद और बहुत मुमकिन है कि आज 5 रियासतों में इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए।